हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके ही अपने चैनल फैंटेसी लकी 11 पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे जिम्बाब्वे वुमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका इमर्जिंग वुमेन्स की मैच के बारे में। ODD मैच खेला जाने वाला है। जी हाँ, इंटरनेशनल मैच ये नहीं है, डोमेस्टिक मैच है, इसीलिए इसे ODD कहते हैं। दोस्तों, कल इंडिया के टाइम के हिसाब से 1 बजे मैच शुरू हो जाएगा, ट्यूसडे के दिन 18 मई को। मैच कहाँ खेला जा रहा है? जिम्बाब्वे के अंदर खेला जा रहा है, क्वीन स्पोर्ट्स क्लब बोलावायो के ग्राउंड में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सारे दोस्तों को थैंक्स कहना चाहूँगा जो मेरे वीडियो को शेयर कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया हुआ है। टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। टूर्नामेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो जिसको रीड करना है, पढ़ना हो, वो पढ़ सकता है। मैं आगे चलता हूँ और बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले लाइव स्ट्रीमिंग की। तो लाइव स्ट्रीमिंग का अगर मज़ा लेना चाहते हो तो कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कोशिश करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग करने की यूट्यूब पर, या तो वो कमेंट्री करेंगे, अदरवाइज फैन कोड ऐप्स के अंदर आप क्रिकेट का लाइव मज़ा भी ले सकते हो, या तो स्कोर भी देख सकते हो। लाइव मैच को देखना है तो पैसे देना होगा, सिर्फ स्कोर देखना है तो फ्री में आप स्कोर देख पाओगे। अदरवाइज मैं बाकी भाइयों को भी जो यूट्यूब पर चैनल अपना चला रहे हैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि लाइव स्ट्रीमिंग मैच का करने की कोशिश ना किया करें, क्योंकि अक्सर कॉपीराइट का वहाँ पर क्लेम होने का चांसेस रहता है, तो चैनल वहाँ पर ख़राब होने का चांसेस रहता है, तो कोशिश ना करिए लाइव स्ट्रीमिंग की। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात कर लूँ तो यहाँ पर पिच उतनी आसान नहीं होती बैटिंग के लिए, खासकर वुमेन की मैचेस में हम ये देखते हैं कि उतने बड़े बड़े स्कोर हमें वैसे भी नज़र नहीं आते हैं। फिर भी यहाँ पर मैं बता दूँ, जैसे जैसे मैच होगा वैसे वैसे पिच स्लो होती जाएगी और यहाँ पर स्पिनर काफ़ी अच्छा कर सकते हैं और फास्ट बॉलर को भी यहाँ पर मदद मिलती है। दोस्तों, एवरेज स्कोर की बात करूँ तो यहाँ से 180 से 200 रन का एवरेज स्कोर वुमेन मैच में निकल कर आ ही जाता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं, फिलहाल यहाँ पर बता दूँ मैं, जिम्बाब्वे की टीम उतनी स्ट्रांग मुझे नज़र नहीं आ रही है एज़ कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका की इमर्जिंग टीम की। उनकी इमर्जिंग टीम भी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है, हालांकि ये पर मेन खिलाड़ी तो नहीं है, क्योंकि ये इमर्जिंग के स्क्वाड है। दोस्तों, यंग टैलेंट को मौका दिया जा रहा है, कुछ इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं जिनको यहाँ पर खिलाया जा रहा है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं साउथ अफ्रीका वुमेन के प्लेइंग 11 की। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, स्टेन है जो ओपन कर सकती है तस्मीन ब्रिट्स के साथ। तस्मीन ब्रिट्स विकेट कीपिंग करेगी टीम के लिए, और राइट हैंडेड बैट्समैन है स्टेन, और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग भी कर लेती है। तो इसी तरीके का सारा डिटेल मैंने प्रोफाइल यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन सा बैट्समैन क्या है, राइट आर्म बॉलर है कि लेफ्ट आर्म बॉलर है, कौन सा बैट्समैन है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। वन डाउन आपको नज़र आएगी एनी की बोश, फिर आएगी यहाँ पर डर्केसन रॉबिन आएंगी सैरल, उसके बाद में यहाँ पर आगे के आप सारे नाम पढ़ लीजिएगा। मैं नाम पढ़ने जाऊँगा तो टाइम भी लगेगा और वीडियो भी लंबा होते जाएगा। तो ये प्लेइंग 11 कुछ इस तरीके की है। बेंच पर भी कुछ प्लेयर है जो कि फ़िलहाल उनको भी मौका मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये टूर ही है प्लेयरों को उसके लिए, प्लेयरों के प्रैक्टिस के लिए और टूर के लिए। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर प्लेयर के ODI के रिकॉर्ड्स के। तो कुछ प्लेयरों के यहाँ पर ODI के रिकॉर्ड्स मिले हैं जिन्होंने ODI ऑलरेडी खेला हुआ है, और जिस प्लेयर ने नहीं खेला है, अभी तक ODI में डेब्यूट ही नहीं किया है इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो उनका रिकॉर्ड नहीं मिला है, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक में भी ODI नहीं खेले हैं। तो यहाँ पर कुछ प्लेयरों के मिल गए हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हो एंड्री स्टेन के ही रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं। 32 मैच में 700 रन है, 117 हाईएस्ट है, मतलब एक सेंचुरी लगा चुके हैं और 450 भी लगाए हैं उन्होंने अपने करियर में। 76 4 लगाए हैं, हालांकि 6 एक ही लगाया हुआ है, मतलब ग्राउंड लेवल पर बहुत अच्छा बैटिंग ये कर लेती है। उसके बाद में तस्मिन ब्रिट्स ने एक ही ODI खेला है, बट इनका परफॉर्मेंस अगर T20 की बात करूँ तो बहुत ही शानदार रहा है, और रिसेंट फॉर्म भी इनका काफ़ी अच्छा है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उसके बाद में सीधा अगर मेन
प्लेयर की बात करूं तो यहां पर मुझे मेन प्लेयर नज़र आ रहे हैं यहां पर बोश। बोश की अगर बात करूं तो आठ मैच का एक्सपीरियंस इनको भी है, 8 मैच खेलकर इन्होंने 100 रन बनाए हैं जिसमें 150 शामिल है, 10 चौके और 1 छक्के भी मारे हैं और 1 विकेट भी लिया हुआ है इन्होंने ओडीआई के अंदर। दूसरे मेन प्लेयर की बात करूं तो यहां पर है मसाबाता, क्लास 48 ओडीआई मैच खेल चुकी हैं, बैटिंग से तो नहीं बट बॉलिंग से अच्छा खासा इनका परफॉर्मेंस रहता है, 39 विकेट ये ले चुकी है ओडीआई के इंटरनेशनल मैचेस में। उसके बाद में है मलबा, भी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी, 5 मैच में 3 विकेट ले चुकी हैं ओडीआई के अंदर। अब बात कर लेते हैं रिसेंट फॉर्म की, तो रिसेंट फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुक ले लीजिएगा, नोट पेन ले लीजिएगा और जो जो प्लेयर है उसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप स्मॉल लीग खेलना चाहते हैं, ग्रैंड लीग खेलना चाहते हैं तो बस बुक में लिख लीजिए एसएल प्लेयर और एक साइड में लिख लीजिए जीएल के प्लेयर, ओके, आपके लिए आसानी रहेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिसेंट फॉर्म में, तो स्टेन के ही सबसे अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है, जैसा कि हाल में ही इन्होंने 150 लगाई है और बाकी 40-40 की दो छोटी पारियाँ भी खेली हुई है, मतलब इनका भी फॉर्म अच्छा नज़र आ रहा है। उसके बाद मैं बात कर लूँ अगर तो तस्मिन ब्रिट्स की, तो 250 लगाकर आ रही है लास्ट टूर्नामेंट में, लास्ट टूर्नामेंट इन्होंने T20 ही खेला हुआ है तो वहाँ पर ही इन्होंने 250 लगाई है, वह दो T20 के अंदर अच्छी बात है, मतलब अटैकिंग खेलती है। सेल की बात करूं तो उतना खास कुछ परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रहा है तो हम ध्यान नहीं देंगे, हालांकि प्लेइंग ऑर्डर के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो इनका बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा नीचे है। उसके बाद में बात करूं तो सेंगेस गेस की बात कर लूं तो यहां पर ये बैटिंग से कुछ खास किया नहीं है बट बॉलिंग कंटिन्यू करती हुई नज़र आ रही है और इसीलिए टीम में रहना बहुत ज़रूरी है ग्रैंड लीग के अंदर भी, ग्रैंड लीग में आप इनको CVC भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद में है मेन प्लेयर यानी कि बोश, जो कि रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, 150 भी लगाई है और 30 रन की 42 की भी कुछ अच्छी पारियाँ खेली हुई है, बॉलिंग से भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन आपको नज़र आने वाला है, इसीलिए स्मॉल लीग के अंदर ज़्यादातर लोग 60% लोग इनको सी बनाकर बैठे हुए हैं। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरे खास प्लेयर की, तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको यहाँ पर एंड्रयूज के भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस है बॉलिंग के अंदर और हालांकि इन्होंने ओडीआई नहीं खेला हुआ है, T20 का ही इनका परफॉर्मेंस है, कंटिन्यू हर मैच में विकेट लेती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद मैं क्लास की बात कर लूँ तो इम्पोर्टेंट बॉलर है ही, इंटरनेशनल लेवल पर ये खेलती है तो इनका भी ये खास प्लेयर रहेगी, जीएल में इनको 2-3 टीम में सी आपको ट्राई करना ही है, तो यहाँ पर एक विकेट हर मैच में इन्होंने रिसेंट में भी लिया हुआ है। मलाबा की बात कर लूँ तो इनका भी रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है, इंटरनेशनल ये भी खेल चुके हैं और इनको भी CVC आपको ग्रैंड लीग में ट्राई करना है। उसके अलावा कुछ अलग प्लेयर खेलते हैं जैसे कि एनी डार्किंसन का रिसेंट फॉर्म थोड़ा अच्छा है, 150 लगाई है इन्होंने लास्ट सीरीज़ में घरेलू मैचेस में और देखते हैं अगर खेलती हैं तो आप ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करोगे। उसके बाद में डेलमी टकर का भी रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है, बैटिंग और बॉलिंग से दोनों से ही अच्छा कंट्रीब्यूशन ये भी कर रही है, ग्रैंड लीग के अंदर आपको इनको भी CVC ट्राई करना है दोस्तों। आगे चलते हैं बात कर लेते हैं बॉलर्स की, तो टीम के पास लगभग मैं बता दूं ODI का मैच है, 50 ओवर का मैच है, लगभग आपको 7 से 8-9 प्लेयर बॉलिंग करते हुए नज़र आएंगे ही, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्लेयर तो इनके पास है ही। अब टीम के लाइनअप आने के बाद कितने बच जाते हैं बॉलर वो हमें देखना होगा, क्योंकि T10 के अंदर यहाँ पर वुमेन के अंदर ऐसा नहीं होता कि 5 बॉलर ही सब 10 ओवर करके 50 ओवर कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, वुमेन के अंदर लगभग 8 से 9 बॉलर यूज़ होते ही हैं, जो कुछ बॉलर 3, 4, 5 जो अच्छा बॉलिंग जिसका अच्छा बॉलिंग जाता है वो अपने स्पेल कंप्लीट करता है। हालांकि मैं बता दूं जो इनके मेन बॉलर हैं जैसे कि क्लास हो गए, मलाबा हो गए और ये बेनेटी हो गए, ये तो अपने स्पेल के 10-10 ओवर करेंगे ही ODI के अंदर, उसके अलावा बाकी सारे जो ओवर हैं बाकी सब प्लेयर में डिवाइड होंगे। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर स्मॉल लीग के अंदर आपको CVC किसको ट्राई करना है, तो सबसे पहला नाम मैं बता दूं एंड्री स्टेन का ही है, बैटिंग ही करेंगे सिर्फ, बॉलिंग नहीं करने वाली है, इसीलिए आप इनको भी CVC ट्राई कर सकते हो, कुछ हटके ही रहेगा, अगर शुरुआत में ओपन तो ये करेंगी अगर तो अच्छा रन मार लेती है तो आप सबसे आगे ही रहोगे। उसके बाद में है
तजमिन ब्रिट्स को हम इसीलिए की प्लेयर में ले रहे हैं क्योंकि एक तो विकेट कीपिंग करके दे सकती है और हमें टॉस के टाइम देखना होगा कि कर रही है कि नहीं कर रही। हालांकि टीम के पास तीन तीन विकेट कीपर है, साउथ अफ्रीका की टीम लेकर आई है। अभी तजमिन को विकेट कीपिंग कराते हैं या एज अ बैट्समैन ही खिलाते हैं वो देखने वाली बात होगी। अगर ये एज अ बैट्समैन खेलती है, रिसेंट फॉर्म इनका काफ़ी अच्छा है, फिर भी मैं इनको छोड़ूंगा ही क्योंकि मैं चाहूँगा कि बॉलर मैं हैवी टीम लेके जाना पसंद करूँगा। उसके बाद मैं अगर बात करूँ बॉश की, तो बॉश का एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है, 60% सिलेक्शन है इनका सी के ऊपर। वैसे 100% तो सब लेंगे ही, बट कैप्टेंसी इनको 60% लोगों ने दी हुई है। उसके बाद में जेन विंस्टर है, आपके लिए ग्रैंड लीग पिक रहेंगी सीवीसी के लिए। मलाबा और क्लासन को आप सीवीसी वीसी ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग के अंदर भी कुछ हटके ही रहेगा मिनी जेल वगैरह में। उसके बाद में है डेलमिट टकर को भी आपको स्मॉल लीग में लोगे तो डिफरेंशियल पिक ही रहेगा, खेलती है जब ध्यान देना है, और ग्रैंड लीग के अंदर तो आपको सीवीसी इनको ट्राई करना ही है दोस्तों। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे के प्लेइंग 11 की। तो यहाँ पर ओपन करते हुए नज़र आएगी आपको मॉडेस्टर, जो कि विकेट कीपिंग भी करेगी टीम के लिए और राइट हैंडेड बैट्समैन भी है। उसके बाद में है मुजा जी राइट हैंडेड बैट्समैन है। उसके बाद में है मरंगे, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। इसी तरीके से इनका कारवा चलते आएगा और ये पूरी इनकी प्लेइंग 11 पहले मैच के लिए निकल कर आई है। हालांकि बेंच पर भी कुछ प्लेयर है, जिसमें से कुछ प्लेयरों का तो रिकॉर्ड ही नहीं मिला है पूरे गूगल पर, किसने कितना मैच खेला है, मतलब डेब्यूट ही नहीं किया हुआ है। तो शारिफ फ्रेश प्लेयर है, तो हम फिलहाल एक्सपीरियंस वाले प्लेयर को लेकर जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बॉलर्स की। तो टीम के पास लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो बॉलर है ही। अब लाइनअप आने के बाद हमको ये ज़रूर देखना होगा कि कौन से बॉलर खेल रहे हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको इनके मेन बॉलर यहाँ पर दो मेन बॉलर तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, सिबंदा और यहाँ पर तस्मीन, ये दो मेन बॉलर है दोस्तों। स्पेल के अपने पूरे ओवर ये करेंगे ही। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे के प्लेयर के रिसेंट फॉर्म की। हालांकि टीम के पास रिसेंट फॉर्म के उतने कुछ मैचेस हुए नहीं हैं, घरेलू क्रिकेट के हिसाब से ही ये इनके जो लास्ट मैच खेली गई हैं उसके हिसाब से ही यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड निकाला है, और ताकि हम प्लेयर को समझ पाए कि किसको लेना है नहीं लेना है। तो रिकॉर्ड के हिसाब से भी ये टीम काफ़ी कमज़ोर मुझे ऑन पेपर भी नज़र आ रही है। तो फिर भी हमें जो प्लेयर लेना है हम उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मॉडेस्टर है, जो कि विकेट कीपिंग से कुछ पॉइंट दे सकती है और बैटिंग से रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, तो हमें ये प्लेयर को तो स्मॉल लीग में नहीं छोड़ना है। उसके बाद में है मुजाजी, बैटिंग से एक अच्छी पारी आई है बट इतना रिलायबल मुझे नहीं लग रहा है डेटा, यानी कि उतना भरोसा इनके ऊपर नहीं आ रहा है कि मैं उनको टीम में लूँ। डेटा तो ऑफिशियल वेबसाइट का है बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि इनको लिया जाए बस इतने स्टेट को देखकर। बाकी अब बात कर लें तो मरंगे हैं, और जो कि बॉलिंग से कुछ कंट्रीब्यूशन किया हुआ है हालांकि विकेट नहीं ली है। उसके बाद में ऑडेरी की बात कर लूँ तो यहाँ पर ऑडेरी से विकेट काफ़ी हर मैच में लेती हुई नज़र आई है। सिलेक्शन की बात करूँ तो 10% से भी कम लोगों ने इनको लिया हुआ है दोस्तों। अगर खेलती हैं तो आपके लिए स्मॉल लीग के अंदर भी कुछ हटके पिक रहेगी, ध्यान में रखना है। बॉलिंग से अच्छा खासा रिकॉर्ड इनका नज़र आ रहा है और बैटिंग भी आई थिंक ये तीसरे चौथे पर करने आ ही जाएगी। उसके बाद मैं बात कर लूँ यहाँ पर तो निकोमो की है। निकोमो ने एक ही मैच में 3 विकेट लिया हुआ है रिसेंट मैच में, और एक मैच में 1 विकेट, तो एवरेज परफॉर्मेंस है, उतना कुछ खास नहीं है। बॉलर की अगर बात करूँ तो दो बॉलर जिसकी मैं बात कर रहा था, सिबंदा और ग्रेंगर तस्मीन, इन दोनों ने ही काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है इनके रिसेंट T20 मैचेस में। आप कंटिन्यू इनका परफॉर्मेंस देख सकते हो, 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, कंटिन्यू विकेट ये ले रहे हैं दोनों ही जन, तो दोनों के ऊपर ही आपको ध्यान रखना है। और दूसरे प्लेयर की अगर बात कर लो तो यहाँ पर कुछ खास प्लेयर है नहीं जिसके बारे में बात की जाए। तो आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं हमारे की प्लेयर्स की। तो जिम्बाब्वे की टीम से की प्लेयर्स आपके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही प्लेयर हैं जिसमें से आपको स्मॉल लीग खेलनी है दोस्तों। यहाँ से इसकी कटौती भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप साउथ अफ्रीका के 7 प्लेयर लेना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको ये दो जो सीवीसी के प्लेयर बताए हैं उन दोनों को आप ले लीजिएगा, और मेरे हिसाब से 2 बॉलर को आप ले ही लेना, क्योंकि 50 ओवर का मैच है जिसमें से ये अपने 10 ओवर तो करेंगे ही अगर इनकी पहले बॉलिंग आती है तो। ओके, पहले बॉलिंग
बॉलिंग आती है इनको, तो इनको ले ही लेना है। और साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग करती है तो इनको मत लेना, फिर साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को लेकर चले जाना दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपसे शेयर कर देता हूँ मेरे हेड टू हेड टीम। मेरे हेड टू हेड टीम की अगर बात कर लूँ तो यहाँ पर थोड़ा मैंने बैटिंग से कुछ उम्मीद की है कि जिम्बाब्वे से मुझे कुछ पॉइंट मिलेंगे। और यहाँ पर मैंने दो बॉलर भी, जैसा कि मैं बता रहा था पूरे वीडियो में, दो बॉलर भी मैंने यहाँ पर ले लिए हुए हैं। और यहाँ पर मैंने बॉस को कैप्टनसी दी है, क्यों? क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म एक बहुत अच्छा है, दूसरा ये बॉलिंग भी करेगी। हालांकि मेरा दिल था मैं स्टेन को कैप्टनसी देने वाला था, बट अगर पॉइंट के हिसाब से सोचूं तो मुझे स्टेन बॉलिंग नहीं करेगी और बैटिंग से ही उतना मुझे फ़ायदा नहीं होगा सिर्फ, तो इसीलिए मैं इस बॉस के साथ कैप्टनसी जा रहा हूं और स्टेन के साथ वीसी जा रहा हूं। अब यहां पर एक काम ये कर सकते हो, अगर साउथ अफ्रीका की पहले बॉलिंग आती है तो आपको साउथ अफ्रीका के ही बॉलर ले लेने हैं, जिसके अंदर आप मल्लाबा को कैप्टनसी दे सकते हो, बॉस को वाइस कैप्टनसी दे सकते हो, बनाटी को, या फिर उस केस में आप सीवीसी दोनों को, मल्लाबा और बनाटी को सीवीसी ट्राई कर सकते हो। स्मॉल लीग के अंदर भी ऐसा कॉम्बिनेशन आराम से आप बना सकते हो। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मैच प्रिडिक्शन की। तो मैच प्रिडिक्शन यहाँ पर ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका वुमेन इमर्जिंग की मुझे टीम स्ट्रांग नज़र आ रही है, बैटिंग बॉलिंग और हर डिपार्टमेंट के अंदर। जिम्बाब्वे को फिर भी मैं 30% का परसेंटेज इसीलिए दिया हुआ हूँ कि क्योंकि इनके बॉलर कुछ कमाल कर सकते हैं, ऐसा मुझे उम्मीद है। अगर इनके बॉलर ने शुरुआत में कुछ झटके दे दिए, दो तीन विकेट ले ली साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका के भी हारने के चांसेस बन सकते हैं। बट हालांकि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग को झेलना, अगर 100 रन भी मार लेगी साउथ अफ्रीका की टीम और 100 रन को चेस कर पाने की भी मुझे उतनी एबिलिटी नज़र तो फिलहाल नहीं आ रही है साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के सामने। बट उम्मीद यही है कि 30% चांसेस है जिम्बाब्वे के जीतने के और 70% चांसेस है साउथ अफ्रीका वुमेन इमर्जिंग के जीतने के। दोस्तों ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये उल्टा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।